सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है, आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और सारा भर गया पसीने से, या रात को सो रहे हो, या उसी की वजह से फिर बैड ऑर्डर और ये सारे इश्यूज भी होने लगते हैं, सोशली भी एम्बैरेसिंग हो जाता है। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show, and today we are going to talk about hyper high doses. ये क्या होता है? मैं बताती हूँ, excessive sweating. और उसी के बारे में हम बात करेंगे आज, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरुचि. So ma'am, again a warm welcome. कैसे हैं आप? लेकिन हाँ, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी लोगों को होती है. अब गर्मियों में स्वेटिंग तो सबको ही होती है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो स्वेटिंग है ये नॉर्मल है या फिर ये हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है. हाइपर मतलब ज्यादा, हाइड्रोसिस मतलब एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है स्वेट ग्लैंड से. वो कहाँ से होगा? कई लोगों को अंडर आर्म से ज्यादा होता है, कई लोगों को हाथों पैरों पे ज्यादा होता है. ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि बच्चा क्लास 9th में 10th में हो रहा है, मैं पूरी कॉपी मेरी भर जाती है, मैं कुछ लिख नहीं पाता, पूरा पसीने से भर जाता है. या कई लोग घर बैठे हुए भी उनको बहुत पसीने, पूरा सर भर गया, फोरहेड पे पसीने आ रहे हैं. तो एक्सेसिव स्वेटिंग व्हिच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट इज हाइपरहिड्रोसिस. ठीक है, और मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है. जेनेटिक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डाइट्री डेफिशिएंसीज है, स्ट्रेस है, थायराइड है, तो ये सारे रीजंस होते हैं व्हिच कैन कॉज हाइपरहिड्रोसिस. ओके, और मैम इज इट वेरी सीरियस प्रॉब्लम और क्या ये ठीक हो जाती है? देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है ना, क्योंकि आपकी मतलब सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है, आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और सारा भर गया पसीने से, या रात को सो रहे हो, या उसी की वजह से फिर बैड ऑर्डर और ये सारे इश्यूज भी होने लगते हैं, सोशली भी एम्बैरेसिंग हो जाता है. ओके, एंड लेकिन ये ठीक हो सकता है अगर हम बिल्कुल इसमें कुछ डाइट चेंजेस चाहिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, कुछ मेडिकेशंस का भी रोल है, तो डेफिनेटली इट कैन बी इम्प्रूव्ड. ओके, एंड जैसा बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से हम लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर डे टू डे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम इससे ओवरकम कर सकते हैं. हाँ, तो कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि अगर आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, बी12 की डेफिशिएंसी है, वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो बी कॉम्प्लेक्स इन जनरल की डेफिशिएंसी भी टेंडेंसी फॉर हाइपरहिड्रोसिस इंक्रीज कर देता है. और आज के डेट में तो हम देखते ही हैं कि ज़्यादातर लोगों को ये सारे विटामिन्स डेफिशिएंट निकलते हैं, तो हमें उसे या तो डाइटरी सोर्सेज से पूरा करना है, कई बार वो पूरा नहीं हो पाते तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे. ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट जो ट्रीटेबल कॉज ऑफ हाइपरहिड्रोसिस है वो तो हम करेक्ट करें. हमें थायराइड मॉनिटर कर लेना चाहिए, लाइफस्टाइल को हर बार हम कहते हैं कि एक्टिव रखना है, फिट रखना है, डी स्ट्रेस करना है, कुछ योगा वगैरह, मेडिटेशन, है ना, वही टॉकिंग टू फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, ताकि यू फील रिलैक्स्ड एंड डी स्ट्रेस्ड. तो ये सारी चीज़ें भी एसेंशियल है. ये नॉर्मल डे टू डे पानी को पीना है, हाइड्रेशन जो वाटर लॉस हो रहा है वो कवर अप करना है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, स्पेशली जो वाटर रिच फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन है या इवन कोकोनट वाटर है, ये ज़्यादा कंज्यूम करना है. ओके, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पानी का कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे. हाँ जी, और ये तो बेसिक केयर है, इतना तो करना ही है. जनरलाइज्ड हाइपरहिड्रोसिस पूरी बॉडी पे हो रहा है, कईयों को सर पे हो रहा है, कईयों को नाइट स्वेट्स आते हैं, वो भी हॉर्मोन्स और डेफिशिएंसीज के साथ रिलेटेड हो सकता है. तो अलग अलग बॉडी पार्ट भी अफेक्ट हो सकता है और जनरलाइज्ड एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट ओवर रिएक्ट कर रहा है टू सर्टेन स्टिमुलाई. या आप कुछ सोच रहे हो, सोचते सोचते आप भर गए पूरे पसीने से, इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा, वो थिंकिंग प्रोसेस आपके ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है. ओके,
ओके एंड मैम जैसे बाजार में काफी स्प्रेज आने लगे हैं इसको स्वेटिंग को रोकने के लिए और स्मेल को रोकने के लिए तो ये क्या एक्चुअल में वर्क करते हैं हाँ अर्ली स्टेज या माइल्ड केसेस में दे आर हेल्पफुल एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट करके एक सॉल्ट होता है विच इज कंसिडर्ड हेल्पफुल जिसमें 10-15% में अंडर आर्म्स के लिए और हैंड्स एंड फीट के लिए 30% तक का सॉल्यूशन यूज करना होता है इट्स कम्स इन अ रोल ऑन फॉर्म इन अ स्प्रे फॉर्म और मल्टीपल तरह से आता है जैसे नो स्वेट स्प्रे है और ड्राई स्प्रे है ये सम ऑफ द ब्रांड्स है बट ये लॉन्ग टर्म यूजेज में हेल्प करते हैं ओके तो अगर मेनली अगर एक्सेसिव स्वेटिंग से बचना है तो अपनी लाइफ में फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाटर और अगर आप ये भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स बिकॉज कभी कभी सप्लीमेंट्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं हाँ जी अगर आपको जैसे डेफिशिएंसी ऑफ बी है बी 12 है तो बड़ा कॉमन हो गया है ना तो ये तो कवर अप कर ही सकते हैं वाइटामिन ई इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ये भी कई बार हेल्प करते हैं इन सब चीजों में मैम टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू में ये जानना चाहूंगी कि ऐसे जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया है लाइफस्टाइल चेंजेस डाइटरी चेंजेस स्टिल अगर कुछ ऐसी हमें छोटी छोटी चीजें अगर हमारे लिए कुछ ऐसी जरूरी है जिससे कि हम इस स्वेटिंग से बच सकते हैं तो ऐसा अगर कुछ है तो आप चीज एड्रेस कीजिए वही हाइड्रेशन लेवल्स डाइट पे ध्यान एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिंस विटामिन सी जिंक B12 फॉलिक एसिड बी ये सारा का समय से समय आप डाइट में भी ध्यान रखेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स प्रोटीन्स वाटर रिच फ्रूट्स ये ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें कॉटन कपड़े पहने वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज कर सकते हैं जनरली सेफ होते हैं अगर किसी को एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट सॉल्ट से एलर्जी है तो दूसरे एल्यूमिनियम सॉल्ट्स भी आते हैं आजकल बट हाँ जो कुछ कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑलरेडी एंटीपर्स्पिरेंट अलाउ होता है वो मेडिकेटेड नहीं होते उनमें पर परसेंटेज कम होती है तो अगर डॉक्टर बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के हम हायर परसेंटेज वाले एंटीपर्स्पिरेंट्स यूज कर सकते हैं रेयर केसेस में यानी अगर आपको उससे भी आराम नहीं आना तो फिर हम बोटॉक्स के इंजेक्शन देते हैं इनली द पाम्स एंड सोल सीवियर केसेस में और लोगों को उससे बहुत रिलीफ आता है मतलब इट इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बट जिसको और किसी से आराम नहीं आ रहा है दे कैन बी हेल्प्ड विद दिस तो अगर स्टार्टिंग में अगर आपने फील करना स्टार्ट कर दिया है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में इसका ध्यान रख लें मतलब लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस तो हर बीमारी के लिए मस्ट है पहले वो तो करने ही करने हैं उसके अलावा अगर उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मेडिकल मैनेजमेंट और फिर भी नहीं हो रही है तो प्रोसीजरल मैनेजमेंट एक्सैक्टली एंड थैंक यू सो मच मैम अगेन फॉर योर टाइम इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू थैंक यू आयुषी